सर ये इन चारों के बीच कॉमन है, सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज है इन चारों में। अब देखें बाकी क्या, अब डिफरेंस, अब देखें ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कि ये इस कल्चर में भी मौजूद है, इस कल्चर में भी मौजूद है, एक काम है वो सिमिलर नहीं, दोनों सिमिलरली नहीं करते। देखिए शादी पाकिस्तान में भी हो रही है, शादी इंडिया में भी हो रही है, ये वो चीज है जो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे कल्चर में, राइट। ये चारों कंट्रीज में एक जैसी है कि आंख मारेंगे आप किसी को तो पूरी दुनिया में आंख मारने का मतलब जरदारी साहब पता ही आपको क्या होता है। यस सर, है इमोजीज इसीलिए ना, अब देखो दुनिया जो है वो इमोजीज पे आ गई है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इमोजीज, और ये वो सिमिलैरिटीज हैं, ये वो सिमिलैरिटीज हैं सब कंट्रीज में जो ब्लैक ड्रॉप में दिखाई गई है आपको। आप समझ आई? यस सर। स्टिकर्स भेजते हैं आप इसी तरह के, वो ट्विटर पे आप जाते हैं तो वहां पे GIFs हैं, GIFs हैं, वो सारे क्या हैं, वो इंटरकल्चरली दे आर कॉमन, दीज आर द सिमिलैरिटीज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यस सर। कि जब आपके पास, जब आपके साथ जो है, आसिफ ने हैंड रेज किया है। यस सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर हैंड रेज करो तो इसको मतलब यही होता है कि आदमी कुछ बोलना चाह रहा है। सर जी मैं वही मतलब है, हैंड रेज का मतलब वही है, सारी जगहों पे हैंड रेज का मतलब है कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। हैंड रेज का क्या मतलब है? आई नीड योर हेल्प, I need, I have to ask a question, right? ये सारी जगह पे, yes, sir. सारी जगह पे है ये। फिर overlapping, दो countries में जैसे मैंने आपको बताया शादी ब्याह में, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये एक जैसी है, राइट। अब यस सर, बाकी चीजें क्या है, हम नकाह करते हैं वो भगवान के साथ फेरे, ये हम डिफरेंट हो गए। ये ओवरलैपिंग जो एक स्टार दूसरे के अंदर आ रहा है, अगर आपको नजर आ रही है ये चीजें, ये तस्वीर नजर आ रही है, ये ओवरलैप जहां पे मैं कर रहा हूँ ओवरलैप हो रही है, मेरी फिंगर दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। यस सर। अच्छा तो ये जो है ना, बाकी ये इंडिपेंडेंट है, जो जिस पे कोई ओवरलैप नहीं आ रहा वो इंडिपेंडेंट, उनके अपने कम्युनिकेशन है, और जो इसमें है वो दो कंट्रीज में ओवरलैप हो रहा है, दो कंट्रीज में ओवर, देखिए एक कंट्री के दो कंट्री के साथ ओवरलैप हो रही है, बल्कि तीसरे ये और बाकी इंडिपेंडेंट है। और आप देख ले सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटीज, परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग एंड इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन जो है। अब ये इंटरकल्चरल मॉडल है, ये आप देखिए इसमें चार कंट्रीज हैं, इसमें तीन कंट्रीज आपको ऐसे नजर आएंगे जो बहुत ओवरलैप कर रहे हैं, नजर आ रहा है मेजर कल्चर, मेजर कल्चर ओवरलैप। ये कौन से कंट्रीज हम इन्हें ले सकते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, राइट। यस सर। हम ले सकते हैं इन्हें बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ले लिया। ये स्टैंड अलोन जो खड़ा है ना, स्टैंड अलोन खड़ा है आप लगा लें कि ये पाकिस्तान है, या अगर हम इसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश लेते हैं तो स्टैंड अलोन कौन खड़ा है? ये स्टैंड अलोन हमारे नीचे वाला मुल्क है, या ऊपर वाला साथ जो है वो अफगानिस्तान कर लें आप उसे, राइट। यस सर। समझ आ गई? तो ये है। यस सर। अब कल्चरल, हर कल्चर के वेरिएबल, असल चीज जहां पर प्रॉब्लम्स आता है, हम बात करने चाह रहे हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कम्युनिकेशन को क्यों देखते हैं, कि वो मिस कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से ना हो जाए जब हम इंटरनेशनली, क्योंकि एक पेंडेमिक ने पूरे ग्लोब को आपके घर में मुकैद कर दिया, राइट। यस सर। जैसे आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, चाइना में भी एजुकेशन वैसे ही चल रही है, अमेरिका में भी ऐसी ही चल रही है, बर्तानिया में भी ऐसे ही चल रही है, लॉकडाउन पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, लोग जो है वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है, ये मिसफॉर्च्यून जो आई है, ये एक्चुअली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। आप घर पे बैठे रहते,
आपको जूम का पता ही नहीं होना था कि आज तक जूम होता क्या, सर सुना क्या है, लेकिन पता नहीं क्या है। राइट सर, ऐसे ही है ना, सर सुना है पता नहीं क्या। ऐसे बहुत सारी चीजें, लोग ऑनलाइन पे आ गए हैं, घर पे डिलीवरी ले रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे, मस्जिदों का जो है वो स्टेटस चेंज हो गया है, यहाँ पे लड़ाई कुछ ऐसी आ गई है। आगे इससे पहले अगर ये कोई आपको कहता कि जनाब ये मस्जिद में जाना जो है परेशानी में ये जरूरी नहीं है, तो आप सारे पिस्टल निकाल लेते और उसे शायद कत्ल कराते। यस सर। और आज चूंकि अपनी जान पे बनी है तो हम मस्जिद भी नहीं जा रहे। हमें खौफ किस चीज का दिलाया गया, हमें, हम वो कौम है जो सुसाइड से नहीं डरे। हर रोज सुसाइड हो रहे थे, हर जुमे वाले दिन हो रहे थे, और कोई पता नहीं होता था कि जिस मस्जिद में मैं खड़ा हूं वहां पे अगला धमाका ना हो जाए। लेकिन हमने मस्जिद में जाना बंद नहीं किया। यहां पे क्या है, वो वहां पे चांसेस थे, शायद खौफ में पड़ ली, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खौफ है ना कि मैं गया तो शायद मैं बहुत सारे लोगों को बीमार ना कर दूं, या मैं बीमारी का अपने घर में लेके अपने बच्चों को बीमार ना कर दूं। क्लियर? यस सर। ये सारी चीजें हमने देखनी पड़ती है, एजुकेशन, लॉज एंड रेगुलेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल नॉर्म, लैंग्वेज, किस में देखनी पड़ती है, हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि बैरियर्स हैं ये। यहां पे मेरे यहां एजुकेशन और है, कनाडा में और है, अमेरिका में और है, मेरे, मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, एडवांस बिजनेस कम्युनिकेशन, और मैं पढ़ रहा हूँ ये बीबीए में आके। अब उन्हें ये, इनके पास ये नहीं है, उन्हें जो कुछ एथिक्स पढ़ाई जाती हैं या उन्हें अमली तौर पर कहा जाता है, तो उनका एजुकेशन लेवल और मेरा लेवल और है, उनके सब्जेक्ट्स हैं ही और किस्म के। मेरी किताब में लिखा है कि जनाब सेक्स जो है वो, उसको अल्लाह ताला ने मना किया है, और जानी की सजा ये है। वहां पे लिखा हुआ है कि दोनों की अगर मर्जी है तो जो मर्जी कर ले, ये एजुकेशन वहां पे हो रही है। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज भी देख लें, आप जो बीबीए में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो ओ लेवल में पढ़ के आ गया हो, वो आपसे और, एजुकेशन का लेवल डिफरेंट है, एजुकेशन का कोर्सेज डिफरेंट है, सिलेबस डिफरेंट है, एजुकेशन की नॉर्म्स डिफरेंट है, ये सारे का सारा। दूसरा जो वेरिएबल आता है, दूसरा जिससे मिस कम्युनिकेशन हो सकती है, ये एक्चुअली सारे हम पढ़े हैं मिस कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में, ताकि हम मिस कम्युनिकेशन से बच जाए। लॉज एंड रेगुलेशन, पाकिस्तान में लॉज हो रहे हैं, वहां पे लॉज हो रहे हैं, यहाँ पे अगर इधर उधर आप दाएं बाएं देखें और अगर इशारे पे कोई और नहीं है तो आप भाग जाएं, वहां पे आप भाग गए आपके घर पे टिकट पहुंच जाएगी। वहां पे लाज, लाज जो है वहां पे बहुत सख्त है, वो डिफरेंट है। वहां पे गेज मैरिजेस हो रही हैं, वहां पे पार्टनर्स कहलाते हैं, हमारे मियां बीवी कहलाते हैं, वहां पे तीसरा भी है हस्बैंड वाइफ के पार्टनर्स हैं, ये गे पार्टनर्स हैं, ये लेस्बियन पार्टनर्स हैं, या दूसरे पार्टनर्स हैं, वहां पे ये भी है, उनके लॉज ऐसे हैं, ये भी डिफरेंस, उसको भी समझना। इसलिए किसी को मुखातिब करते हुए, किसी को मुखातिब करते लॉ को, उनके लॉ को जानना कि सेफ्टी मेजर्स क्या है, क्या क्या उनके कानून और रेगुलेशन क्या है, चीजों को हैंडलिंग का तरीका क्या है, वहां पे किस असूल को फॉलो किया जाता है, ये जानना भी जरूरी है। और उनकी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या है, कैसे चलती है, उसमें क्या प्रॉब्लम पेश आते हैं, उसको वो किस तरीके से लेते हैं, हमारी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, बैंक कर्जे कैसे देते हैं, वहां पे बैंक कैसे कर्जे देते हैं, वहां पे, यहाँ पे जो है वो FPR का निजाम कैसे है, वहां पे FPR का निजाम कैसे है, यहाँ पे टैक्सेस कितने हैं, वहां पे टैक्सेस कितने हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट कैसी है, वहां पे इम्पोर्ट कैसी है, एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे हमें जहन में होने चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पॉलिटिकल हालात जो है इकोनॉमी को बड़ा इफेक्ट करते हैं। अब देखिए दुनिया भर की इकोनॉमी जो है ये ऐसा रिसेशन है कि रिसेशन पता नहीं कितने साल में जाए। अब
तो पढ़ती है ना इन सारी चीजों को, तो ऐसा इसको भी जानना जरूरी है, सोशल नॉर्म्स को जानना जरूरी है कि उनके तौर तरीके क्या है, लैंग्वेज को जानना जरूरी है कि लैंग्वेज क्या है जिस वो मुल्क में आप जा रहे हैं। एजुकेशन पे डिपेंड करती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो है चाइनीज एशियन और यूएस मैनेजर में। अब हाईएस्ट चाइना में हाईएस्ट लेवल जो है 5.4 देते हैं, एशिया में वो 2.5 आता है और यूएस में 0.1% पे वो चली जाती है। हायर एजुकेशन रेट क्या है, सबसे ज्यादा चाइना में, एशिया में 2.5, और अब देखेंगे यूएस में। आप लिटरेसी रेट से कभी कंफ्यूज ना हुआ करें, लिटरेसी रेट से मुराद ये है कि वो हो सकता है उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की हो। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन का जो लेवल है, जो परसेंटेज है, ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज्यादा है। अब देखिए हाई स्कूल ग्रेजुएट चाइना में 31.8 है, ये आप देखें एशिया में 12.4 है, 3.2 यूएस में है। सम कॉलेज चाइना में 34.6, एशियन 19.4। इस तरह ये सारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है ये सारी की सारी चाइना में 0.7%, एशिया में 25, ये सारा आप देख ले चाहे। अब अंडरडेवलप्ड और डेवलप्ड नेशन जो है, बहुत सारी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ रेगुलेशन होते हैं, ये बिजनेस कम्युनिकेशन और सेल ऑफ प्रोडक्ट को ये मुतासिर करते हैं। The type of product to be advertised for, अच्छा देखें सिगरेट है, आपने सिगरेट के लिए कम्युनिकेशन। अब आप किसी चैनल पे ये सिगरेट जो है उसका इश्तेहार नहीं देखते, लेकिन ये फिर भी फैल रही है। इसका इश्तेहार देना ही मना है पूरे यूरोप में, पाकिस्तान में। इसकी एडवर्टाइजमेंट पे उनकी स्पेंडिंग जीरो है, दे स्पेंड जीरो। मैक्सिको है, क्यूबेक है, ये एक तो ये लॉज आ गया लॉज पे। दूसरा जो है देखिए, कुछ मुल्क ऐसे हैं, मैक्सिको, फ्रांस, ये और क्यूबिक। क्यूबिक कौन सा है, ये कनाडा का एक प्रोविंस है। वहां पे किसी दूसरी जुबान में इश्तिहार आप नहीं दे सकते, किसी दूसरी जुबान में इश्तिहार नहीं दे सकते, किसी भी दूसरी जुबान में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि हमारे साथ जो भी फॉरेनर आता है ना, फॉरेनर को देख के हम वैसे ही बड़े उसको देखते हैं, ओए किड्डा गोरा आ गया यार, गोरी चिट्टी आ गई, भावे उसे कर दी होवे जुतियां साफ कर दी हो। हाँ सिर्फ सर, हमारे यहाँ सिर्फ हमारी जुबान में इश्तिहार नहीं दिया जाता, बाकी हर जुबान में दिया जाता है। हर जुबान देखिए, हमारी कौमी जुबान की आप बाकी देखिए, आप कहाँ पंजाबी कहाँ देखते हैं, आप पोटवारी कहाँ देखते हैं, आप वो गिलगित बल्तिस्तान की सुमाने जो इतनी है उसमें कहाँ इश्तिहार देखते हैं। वो एक छोटे लेवल का लोकल अखबार जो एक शहर तक महदूद है, उसमें तो ये जुबानें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन आप मीडिया पे ये नहीं देखेंगे, आप मीडिया नहीं देखेंगे। आप में से कितने बंदे हैं जो हैं वो अपने अपनी लैंग्वेज का या अपना इतिहास, क्यों वो इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता कि वहां पर प्रोग्राम्स नहीं है, बस खबरें सुनाने के लिए उन्होंने एक चैनल बना दिया, या इतने पाए कि उसमें वो नहीं बनाए जाते, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, प्रोग्राम इतने पाए के नहीं बनाए जाते। ऐसे ही है ना, जो उर्दू चैनल है उस पे वो पैसे लगा के, क्योंकि वो ज्यादा लोगों ने देखा होता है उस पे पैसे लगते हैं और वो फिर सारे देखते हैं। फिर कम्युनिकेशन जो है वो क्या किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा वेरी फ्रॉम नेशन टू नेशन। अब देखिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम और है, अमेरिका में और है। अब पाकिस्तान में 8 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, राइट? अमेरिका ने दिया 1200 बिलियन डॉलर का, यहां पे मिल रहा है 12,000 रुपया, वहां पे मिल रहा है $1,000 जो पाकिस्तानी बनते हैं 1,65,000 या 60,000 रुपए।
अब लिविंग में फर्क तो आएगा, लिविंग में फर्क आ गया तो सोच में फर्क आ गया, सोच में फर्क आ गया तो कम्युनिकेशन में फर्क आ गया। फिर ये है कि अपॉर्चुनिटी टू बारो थिंग्स, बारो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस पे डिपेंड करता है, प्राइस रेज इससे होती है, एक्सचेंज रेट इस पे डिपेंड करता है, और ये एक्सचेंज रेट जो है, इन्फ्लेशन जो है, ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। और बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंस होगा, तो जाहिर है फिर मेरी जान आपका तौर तरीका भी, लोगों को डील करने का भी तरीका जो है वो उसमें फर्क आएगा। और सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, आप देखिए हमारी कम्युनिकेशन में गाली गाली कितनी है, वो मुख्तारे वाला आपने एक क्लिप देखा है अफजल चान और मुख्तारे वाला बड़ा मशहूर हुआ है, अफजल चान वाला और मुख्तारे और कुमत दासदी ने भाई वो सुना होगा सबने सर, वो जो सराइकी बोलता है, वहाँ सराइकी अफजल चान जो है, अफजल चान वो जो अपने मुलाजिम को कह रहा होता है कि घर घर चले जाओ और ये जो है ना बैठने ना दो। अच्छा, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि जिसमें गालियों के सिवा चारा है कोई नहीं है, हमारी ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें धोखे के सिवा है ही कुछ नहीं, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है जिसमें जो है क्या उसे कहते हैं झूठ के सिवा चारा ही कोई नहीं है। हर दो साल के बाद हुकूमत से हम जो है तंग आ जाते हैं और कहते हैं इसे बदलो, ये हमारे अंदर अंदर जो है इनसिक्योरिटी वो गवर्नमेंट पे निकलती है। और ये हमें जो है ना व्हाट वी आर गोइंग बिजनेस व्हेन वी आर, हमें नुकसान पहुंच सकता है कि जिस मुल्क में, अब देखिए बहुत सारे हम कहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो बहुत सारे लोग जो है हमारी पॉलिटिक्स की वजह से कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती तो बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आती, स्टॉक मार्केट गिर जाती है और डॉलर रेट जो है वो ऊपर चला जाता है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उसके और सारे, देखिए एक चीज से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं और ये सारी देखनी पड़ती है जब आप इसको ग्लोबली आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कम्युनिकेशन में जाते हैं। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, कोई सवाल तो नहीं है दादे? अच्छा, फिर आ गया जी रिलीजन। अब देखें इस्लाम को कितना उन्होंने किया कि इस्लाम ये है, दहशत गर्द है, ये बिजनेस और कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। ये आज से चंद साल पहले, आप अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे, कोई 8-7 साल पहले आप देखें जरा, ये सवाद तक तालिबान आ गए थे तो हमें ऐसे लगता था कि सवाद जो है पाकिस्तान से छिन गया, सवाद अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। लोगों की ट्रेवल एडवाइजरीज आती थी कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट सेफ टू ट्रेवल। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, अब क्या है, अफगानिस्तान, चचनिया, अरबिया, इराक और इंडिया, ये इनकी एडवाइजरी होती है, हर गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजरी देती है अपने अपने आवाम को कि ये मुल्क जो है इसमें ट्रेवल करना जो है वो अब डेंजरस है या नहीं डेंजरस है। अब उस दौर से गुजर के आज हम जो है 2020 में पाकिस्तान डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर था, 10 टॉप डेस्टिनेशन में, लेकिन एक तुम्हारी मर्जी है, एक मेरी मर्जी, अल्लाह की मर्जी है, तो डेस्टिनेशन बना दिया अल्लाह ने और ऊपर से पेंडेमिक आ गई तो पाकिस्तान फिर वो निकल गया उस खत्ते से जो अपनी उससे टूरिज्म से पैसे कमा सकता था। देखिए रिलीजन जो है, कुछ रिलीजन जो है उन्होंने बिजनेस के स्टाइल को चेंज करके रख दिया, ऐसे ही है। बुद्ध मत ने चाइना ने बुद्धिज्म है ना, लेकिन अपने आप को अचीज कहते हैं, इन्होंने दुनिया के कल्चर कम्युनिकेशन का पैटर्न ही चेंज करके रख दिया, दुनिया में बिजनेस को इन्होंने चेंज ही करके रख दिया, कम्युनिकेशन को चेंज ही करके रख दिया। ये हुआ है। अब सोशल नॉर्म्स, आपकी नॉर्म्स और है, आपकी रवायत और है, मेरी और है, फैमिली बॉन्ड जो है पर्सन, हमारा फैमिली बॉन्ड किस पे बनता है, कॉस्ट पे, क्लास पे, एज पे, या मेरे और आपके स्पेशल इंटरेस्ट है,
हमें एक दूसरे की सारी चीजें पता होनी चाहिए तो मेरी और आपकी कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी, या मेरे इंटरेस्ट एक जैसे हो, जो काम आप कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, अगर आप वो काम नहीं कर रहे जो मैं कर रहा हूँ तो मेरा और आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, मेरी और आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी। एजुकेशन देखिए, नेशनल एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट्स, एजुकेशन लॉ एंड रेगुलेशन, इकोनॉमी पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इफेक्ट एंड नेशनल एंड सोशल, ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट करती है सारी की सारी उसको कम्युनिकेशन को। फैमिली बॉन्डिंग जो है ये भी हमारी बेस किससे करती है, कास्ट पे, क्लास पे, एज पे। और जब भी आप खींच जाए तो आप देखिए कि वहां पे है क्या, वहां पे रिलीजन चल रहा है या वहां पे कास्ट चल रही है। आप हिंदुओं के साथ करने शुरू करेंगे तो आप जो है वो बड़े केयरफुल होना पड़ेगा, उनको मुखातिब करते हुए बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, आपको किसी खातून को मुखातिब करते हुए बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, आपको एक बंदा जो है जिस जो उसका स्टेटस है उसके मुताबिक उसे डील करना है, उसे डील करना है, उसके मुताबिक डील नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी। अगर आप कम्युनिकेशन को कंफर्टेबल लेवल पे ला नहीं सके तो इट मींस यू आर अ फेलियर। क्लियर? यस सर। लैंग्वेज जो है ये सबसे बड़ा बैरियर, सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आपको आती नहीं है, मैंने पोटवारी नहीं आती, मेरा तो तेरा आपस से हो सकता है कि प्यार मोहब्बत नहीं ना हो सकता क्यों भी जद्दारी ये कह रहे हैं। यस सर, सर कहने इश्क नहीं देखदा जाता पाता। वो इश्क है तो लैंग्वेज जरूर देखदा है भाई, आजकल वेखदा है, ये पुरानी गल्लां हो गईयां। इश्क वेखदा मोबाइल केड़ा हुण, इश्क वेखदा पैसे किन्ने ने, इश्क वेखदा गड्डी किन्नी है। यस सर, आजकल दा इश्क बैंक दौलत बैलेंस सब कुछ चेक करदा है। भाई जान करना भी इश्क उदों ज्यादा जदों जेब च पैसे होण, अदरवाइज ज़लालत ही हैगी है। क्यों सलमान? यस सर, वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही सर। क्यों नहीं आ रही है? यहाँ से ओपन है यार, ये अपने अपने आप से ओपन अनम्यूट करे ना, उसे का लॉग इन वाया डिवाइस वॉइस, ये कैसे हो सकता है यार? सर आई थिंक उन्होंने खुद ही म्यूट पे लगाई हुई है, अभी मैंने उनको बोला भी है कि इसको हटाओ। नहीं नहीं, मेरे पास से तो सारे ओपन आ रहे हैं, ये देखो तुम्हारा चल रहा है, मेरा माइक चल रहा है, अगर मैं तो किसी का म्यूट ही नहीं किया, मेरा तो क्या फैजान अभी आया है। अच्छा जी, तो क्लियर हो गया ये सारा? यस सर, ये सारे क्लियर हो गए। फैजान को समझा देना ये मैं आपके साथ जो है ना, ये इसके बाद ये शेयर आपको ये चाहिए ये प्रेजेंटेशन? यस सर, अगर व्हाट्सएप पे आ जाए तो बेहतर है, सबको मिल जाएगी। नाम जितने कहोगे उतने कर देंगे। क्या नहीं की थी तुमने? दो वीडियो की थी, कड़ी मजा आया ना सुनने का? सर वो अभी देखी ही नहीं है। ओ यार, फिर फायदा की एडना में बोले जा रहे हैं। अब देखिए, मैं तरबूज काट रहा था इसलिए नहीं देखी। ओए तरबूज बस कितने दिन पहले दिख रही है, एक तरबूज सोना जो मैंने भी दे दिया यार, रोजे से बड़ा दिल कर देगा सर। 8 किलो दस थी, मैंने मेरे वास्ते भी लिया 8-10 किलो का तरबूज। ऐसे चुप कर जाएगा, ऐसे आसिफ चुप कर जाएगा। नहीं सर समझे, पहुंच गया कितने तारीख के टाइम आपके पास पहुंच जाएगा। मेरे कार था, तेरे पता नहीं कार था, पूछा नहीं सलमान ने, तरबूज पहुंच गया सर, बस अल्लाह पहुंचा देगा, देखना। पहाड़ियां वाली गल्ला कर रहे हैं तो पहाड़ियां वाले। अच्छा जी, अब देखिये ये हमने पढ़े, आगे पढ़े वेरिएबल, कल्चरल वेरिएबल जो कौमी सतह पर, अब इंडिविजुअल सतह पर क्या होता है? टाइम, आपने टाइम मुझे दिया कितने बजे का? 3 बजे का। आप लोग तशरीफ कितने लाए? 3:55 पे। ये पाकिस्तानी स्टाइल कायदेज, ये वहां पर 3 बजे का मतलब पूरी दुनिया में क्या है? 3 बजे का मतलब 3 बजे। अब स्पेस का मतलब क्या है कि मैं आपको, क्योंकि ये टाइम पे अगर आप जाते हैं ना, यहाँ पे तो ऑफिस में आप जा रहे हैं, आपका 8 बजे पीरियड, आप 10 बजे भी आ जाएगा, प्रिंसिपल आपको कहेगा, डांटेगा, तो आप उसे लड़ पड़ेंगे और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर लेंगे कि सर जी वो जो है ना क्या उसे कहते हैं, मुझे ट्रैफिक पड़ गई जी, तो मुझे ये पड़ गया था, तो मुझे ये हो गया था,
सलमान अब खुल गई आवाज, सलमान हाँ जी सलमान अब खुल गई आवाज जी बिल्कुल सर अब आ रही आवाज। शुक्र है यार अल्लाह चल गया। अच्छा तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल को कह लेंगे, अपने टीचर को कह लेंगे कि सर जी ये आप जो है ना क्या उसे कहते हैं कि मुझे रास्ते में ये मिल गया था तो इसलिए मैं हो गया। वहां पे अगर आप एक दिन लेट गए हैं तो आपको सैलरी काटी जाएगी, दूसरे वॉर्न किया जाएगा, दूसरे दिन सैलरी काटी जाएगी, तीसरे दिन आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। वो इसका मतलब यह है कि अगर आप पहली दफा ही टाइम पे नहीं आ सकते, आप टाइम की पाबंदी नहीं कर सकते, इट मींस आप जिंदगी बड़ी टफ गुजारते हैं, आप एसेट बनने के बजाय प्रॉब्लम बनेंगे। सर सलमान ने ज्वाइन किया है तो आपकी आवाज मुझे बिल्कुल स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही सर। यार इतनी ऊंची तो बोल रहा हूँ, अब क्या करो, अब अपनी आवाज ऊंची करो। सर बिल्कुल फुल की हुई है लेकिन बिल्कुल स्लो स्लो, पहले ठीक आ रही थी, अब क्या करो, फुल है आवाज मेरे पास। यार अब थोड़ी देर मैं लेक्चर सुन लेता हूं। नहीं मुझे मुझे इसकी आवाज, मेरे कान फाड़ रही है इसकी आवाज सलमान, इसकी आवाज जो है मेरे कान फाड़ रही है सर। वो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज मुझे स्लो आ रही है इसलिए मैं आपकी आवाज जो है मेरे कान फाड़ रही है, आपकी आवाज जो है सर मुझे भी इसकी सही आ रही है, आपकी भी बिल्कुल ठीक आ रही है। ये ऐसे ड्रामे कर रहा है, बस छोड़ो इसे। समझ अच्छा, टाइम स्पेस दो आदमियों के दरमियान जो है वो कितना कितना जो है वो होना चाहिए, वक्फा कितना होना चाहिए। एक स्पेस ये है, हम पता क्या बक्से नहीं करते हैं, हम ऐसे ही गले पड़ने शुरू कर देते हैं, और ये आदत जब बाहर लेके जाते हैं तो ये वर्क प्लेस पे काम नहीं करती है। हम सुबह आते हैं तो सबसे बार बार मिलना होता है, एक पीरियड के बाद फिर बार बार मिलना होता है, ऐसे ही। और फासला कितना होना चाहिए, सलाम लेते हुए कितना फासला है। आपने कभी देखा सरबराह ने मुमलिकत को कि जब वो मिलते हैं तो कितना फासला होता है, और अगर वो उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं तो पीछे उत्तर प्रोटोकॉल ऑफिसर खड़ा होता है, वो उन्हें मना करता है सर इससे आगे नहीं जाना। फिर उनकी जगह आप देखिए, किसी कॉम की नेचर का आपने लगाना है ना कि कैसी है, तो उसकी आर्किटेक्चर स्टाइल को देखिए, आपको पता चल जाएगा। इंडियन, आप इंडियन को देखते हैं ना, उनके उनके उसको देखे, इंडियन के क्या उसे कहते हैं मंदिरों को देखे, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कमरे, अब खाली, अब खाना देखते हैं उनका छोटी छोटी प्यालियों में। इतना ही मुतासिब हिंदू है, हमारा क्या है कि वो थोड़ा सा भी खाना होगा बड़ी प्लेट में डालेंगे खुले दिल के। यस सर, ऐसे ऐसे फूड। फिर अब फूड देखे कि फूड से पता चलता है ये वैल्यू। अब यहाँ पे जो अब तो इतना इंटरनेशनल हो गया है कि फूड चाइनीज भी हमारे यहाँ चल रहा है, कॉन्टिनेंटल भी चल रहा है, थाई भी चल रहा है, और आपको पता ही है आप जो बिरयानी और पुलाव बड़े शौक से खाते हैं ये आया कहाँ से था? नो सर, ये सेंट्रल एशिया से आया था। सर वो किस साइड पे है? ये रूस में जो कास्कस्तान ताजकस्तान ये सारे जो हैं ये सेंट्रल एशिया यहाँ से आया है। प्लाओ, इसे प्लाओ कहते हैं, ये हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं, यानी जो पाकिस्तान की सौगात है। हां ताड़ी और तुसी बना लो ते ताड़ी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता बिरयानी यानी है ना। नहीं सर, ये मैंने भी सुना है कि ये पेशावर की सौगात है भाईजान। शुक्र है पेशावर जी कहता, तुम पटवारी नहीं किया तो अच्छा। आप देखिए एक्सेप्टेबल ड्रेस, ये आप जब आप कम्युनिकेशन में जाते हैं तो आप वहां पे मेरे, आप कॉलेज में आते हैं ना सुबह निकर पहन के आ जाएंगे ना, निकर पहन के तो मैं जुतियां मारांगा, ओ यार शर्म कर यार तेरी पहन हमें पड़ रही है, हैं यही कहूंगा ना। वहां पे एक्सेप्टेबल ड्रेस है, वहां पे लिखा होता है जब कोई पार्टी होती है मीटिंग होती है वहां पे लिखा होता है फॉर्मल ड्रेस इनफॉर्मल ड्रेस। अगर उन्होंने इनफॉर्मल लिखा तो भावे तुम नंगे चले जाओ। नंगे अमीर के को छोटा जरा अंडरवियर नहीं पाई आप, वो पाके चले जाओ, नो वन विल स्टॉप। यहाँ पे क्या है, असी असी एमए भी जाना है ना,
कोट टाई ला के गर्मी जो मर जावे कोट में पता मौसम है या नहीं है वो ला के अच्छी सारा कुछ जो है ना अच्छी कुछ एक्सेप्टेबल ड्रेस आपका होना चाहिए विच कुड बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन यू आर मीटिंग और विच कुड शुड बी अकॉर्डिंग टू द ओकेजन ठीक है ना ईद की नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं हम है? वहां पे हमने वो ट्रैक सूट पहना हुआ है वैसे हम वेल ड्रेस ईद पे हम वो नखरे करे लग जाते हैं एक्सेप्टेबल ड्रेस वो नहीं है ये कल्चरल वेरिएबल है हर बंदा जो है एक बंदा घर में ही टाई पैंट पहन के उसे खुशी हो रही है यार ना आई एम हैप्पी वो अपने को एंजॉय कर रहा है एक बंदा कहता है यार मैं कच्चा ही ला ही रहा यार तंग आ गया कपड़े तो डिफरेंट कल्चर के ड्रेसेस अब देखिए बिकनीज यहाँ पे नहीं चल सकती बुरका वहां पे नहीं चल सकता शॉर्ट्स यहाँ पे नहीं चल सकती शॉर्ट्स जो है वो उधर 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 जो है पूरी शलवार कमीज नहीं चल सकती और फिर वो शलवार कमीज जो ये अफगानिस्तान वाले पहनते हैं वो इधर नहीं चल सकती अब देखिए शलवार कमीज इंडिया वाले भी पहनते हैं पाकिस्तान वाले भी पहनते हैं लेकिन दोनों में फर्क है दोनों में फर्क है वहां पे इंडिया में साड़ी जो है एक ड्रेस है उनका आम जैसे हमारा शलवार कमीज है हमारा साड़ी ड्रेस है ओकेजंस का तो इन सारी चीजों को जानना जरूरी है फिर मैनर्स मैनर्स हमारे यहाँ है कि नहीं है मैनर्स हैं डिफरेंट मैनर्स हैं चाय पीने के मैनर्स हैं अब देखिए एक एक किसी मैनर्स क्या है हमारे यहाँ जो है क्या मेरे बच्चे ने आके सब कुछ बुला दिया एक काम करने के किसी तौर तरीके जो हैं हमारे अब देखिए शादी होती है ना तो लेने देना कुछ पैसे नहीं देता yes, या कुछ तोहफा नहीं देता एडिडे गाला भी कर दीजिए बुरा भी मना लीजिए वहां पे यहाँ पे हमारे मंगनी करनी है ना तो उधार लेके इतना कुछ इतना खर्चा कर देंगे कि अगली नस्लें भी उतारती वहां पे एक अंगूठी लेते हैं वो एक अंगूठी अगर कोई वो तोहफा उनको दे दे उनका दोस्त वगैरह तो बहुत खुश होते हैं बड़े ओब्लाइज होते हैं ना दे तो माइंड नहीं करते ना दे तो माइंड नहीं करते हैं वो माइंड नहीं करते ना दे दो उन्हें पता है यार इट्स वेरी डिफिकल्ट कमाना बड़ा मुश्किल है मेरा क्या है कि मैं अपनी औलाद को पढ़ा रहा हूं तो उनके लिए पैसे की वैल्यू ही नहीं है पैसे की वैल्यू ही नहीं है ना अब ये जो है ये जो मैंने पहना हुआ है ये मैंने बेटे को ला के दिया तो मुंह बनाया उसने सौ तरह का कि ये क्या ले गया है तो और अच्छा लेके आना सी मैं कहा और अच्छा दा दे तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मी एज ए पाकिस्तानी फादर एंड एज ए वो जो है एक अमेरिकन या ब्रिटिश फादर या इंडियन फादर ये हमारे यहाँ ही है कि बाप परेशान हो रहा है इसको पढ़ाना भी है इसकी शादी भी करनी है बाद में इसके बच्चों का ख्याल भी रखना है वो कहते हैं भाईजान अब आप 16 साल के हो गए हैं अब आप जाए जिधर मर्जी जाए तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है द नो मैनर्स वो चीजें जो पुराने पाक कहते हैं ना वो हमें अंग्रेजों के यहां मालूम होती हैं और हम उससे माइंड कर जाते हैं अगर आप मुझे फोन करें सर मैं आ रहा हूं मैं कहूं नहीं भजन मैं जा रहा कि अज ना आना हम माइंड कर जाएंगे लो जी पहली दफा सर क्या और अगर ये मेरी सखी बहन हो और उसको मैं कह दूं कि नहीं आज नहीं आना आज ऐसी बाहर जा रहे हैं मैं जिंदा रह सकता खानदान से क्यों जी ऐसे ही है ना सलमान यस सर ऐसे ही है ना वो मुझे जिंदा नहीं ना रहने देगी यस सर ये मैनेज डिफरेंट करती है सोसाइटीज की तो ये जानना जरूरी है अगर आपने ग्लोबली काम करना है ग्लोबली कम्युनिकेशन के लिए तो ये चीजें जाननी जरूरी है फिर डिसीजन मेकिंग कि आप किसी डिसीजन को किस तरह आप में डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे आप देख लें आप हो गए हैं 19 साल के या 18 साल के आपको डिसीजन करना लेना नहीं आता उनका 15 साल का बच्चा डिसीजन ले सकता है 15 साल का बच्चा डिसीजन ले सकता है उन
उनका क्या है 15 साल का बच्चा, आवाज आ रही? जी सर आ रही। सर ये कुछ और है बीच बीच में, ये मैं इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम। अच्छा वो सारा जो है प्रॉब्लम इंटरनेट में है, कि मतलब अब हुआ इब्राहिम ये नेट जरा बंद कर दो एक सेकंड। अब आ रही आवाज? यस सर। यस यस सर। अच्छा चलो यस सर आ रही। अच्छा मैं आपसे जगह चेंज कर दी, ये कुछ अब वो डिस्टरबेंस डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन सी है। यस सर नॉइज आ रही। नॉइज आ रही। चलो वैसे कंफर्टेबल है कि नहीं है? कंफर्टेबल है आवाज आ रही है। चलो ठीक है आगे चलें। अच्छा नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट टाइम जो है ये हमने इसको देख लिया सारा, टाइम को भी देख लिया, स्पेस को भी देख लिया, हाउ क्लोज मे स्ट्रेंजर स्टैंड टू यू ये हमने पढ़ लिया, व्हाट डज इट फील व्हेन यू आर इन अ क्राउड क्राउड, अब क्राउड में हो तो क्या फील करते हैं? अमेरिकन जो है वो 8 इंच से कम कोई हो जाए वक्फा तो वो बड़ा इल फील करते हैं कि स्ट्रेंजर है और 8 इंच से कम वक्फे में आ गया। अब देखें ये हम जो है उस वक्त तक कंफर्टेबल फील नहीं करते जब तक वो जो कोट रखे जफा ना पा रही है। हो रही है आवाज? यस सर आ रही है। अच्छा समझ आ रही है? ठीक है जी सर बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज जो है ना आप ये डिपेंड कर दिया किस कल्चर में है, फूड भी पढ़ लिया हमने, ड्रेस भी देख लिया, मैनर्स देख लिए, डिसीजन मेकिंग देख ली, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल में ही हमने देख लिया। बहुत शुक्रिया भाई जान आपका लेक्चर आज का खत्म हो गया। थैंक यू। तो ये मजा आया पहले ये बताओ मजा आया? यस सर। नहीं सही सही दसो यार। नहीं सर नहीं सर हैं